नमस्कार व्यूअर्स, मेरा नाम है सोमिन पर और आप लोग देख रहे हैं पेट सिंपाई नाम का आपका और हमारा यूट्यूब चैनल। तो आज जो बात है आप लोगों से शेयर करना है, वह है कि आपके जो बर्ड्स है वो बर्ड्स एक क्यों फेंक देते हैं। आपके जो बर्ड्स हैं वो बर्ड्स एक क्यों फेंक देते हैं, मतलब जो फिंचेस वगैरह बोलिए या जो ऑस्ट्रेलियन पैरोट्स जितने भी होते हैं जो हम लोग शौक के लिए पालते हैं, बिजनेस के लिए पालते हैं, वो बर्ड्स एक क्यों फेंक देते हैं। आज इन्हीं कुछ बात के ऊपर आपसे डिस्कस करना है। तो देखिए, फर्स्ट बहुत से लोग ये कहते हैं कि मेरा बर्ड्स एक से मटकी से या कुल्ली कुज्जे से या नेस्ट बॉक्स से एक फेंक देता है, या फिंचर्स एक फेंक देता है, या एक को खा लेता है, एक को फट करता है, ठीक है, उसे चोंच से या वीक से उसे एक को तोड़ता है और तोड़ के उसे उसका अंदर का जो चीज़ है उसे खा लेता है, या एक को फेंक देता है, ठीक है ना। तो देखिए, बहुत से लोग जितने भी मेरे दोस्त हैं, ठीक है, जो बर्ड्स पालते हैं, मेरा चैनल देखते हैं, तो फर्स्ट आप देखिए, आप नोटिस कीजिए कि आपके जो बर्ड्स हैं वो बर्ड्स बिजीज या फिंचेस जो भी एक फेंकते हैं या जावा जो भी एक फेंकते हैं, वो साढ़े एक कहीं अनफर्टाइल एक तो नहीं है, मतलब मेल जो था आपका मेल का प्रॉब्लम है, या आपने एज उनका हुआ नहीं, उनसे पहले ही आपने मटकी लगा दिया था, ब्रीडिंग करने का एज आपके बर्ड्स का हुआ नहीं था, आपने मटकी लगा ये मटकी या नेस्ट बॉक्स लगा दिया था और उन्होंने ब्रीड कर दिया था, लेकिन उनकी शरीर के उन जो स्पर्म हो गए वो ठीक तरह से विकसित नहीं हुआ था, इसलिए आपके सारे जो एग्स है वो अनफर्टाइल हुए थे, इसलिए बर्ड्स ने एग फेंक दिए, ठीक है ना। ये कारण हो सकता है, ठीक है ना, आपको ये देखना पड़ेगा। बर्ड्स की जो एक एज है वो एज मैटर करता है, आपको मैंने एक वीडियो बनाया था एज के ऊपर, तो आप एक वो एज देखना पड़ेगा कि कौन सा बर्ड्स का कौन सा एज होता है ब्रीडिंग का, आपको उन्हीं एज को कंप्लीट होने के बाद ही आपको ब्रीड पे बर्ड्स के लेना चाहिए, ब्रीड बर्ड्स के आपसे लेना चाहिए, ठीक है ना। तो आप लोग पहले ही ब्रीड ले लेते हैं इसलिए ये प्रॉब्लम शायद हो सकता है कि बर्ड्स आपका एक फेंक देते हैं मटकिया नेस्ट बॉक्स से अंदर से। और हमारा नेक्स्ट जो बात है कि बहुत से दोस्त कहते हैं कि बर्ड्स एक फेंक देते हैं। एक दूसरा पॉइंट है कि बर्ड्स एक फेंक सकते हैं, एक दूसरा कारण भी हो सकता है। मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, मैं जितना जाना हूँ बर्ड्स से, मेरे हिसाब से बर्ड्स एक फेंक देते, एक और भी कारण हो सकता है, बड़ा सा मेन कारण हुआ कि आपकी जो बर्ड्स है वो बर्ड्स की जो एग है वो एक शायद अनफर्टाइल हो चुका है, मतलब पहले से अनफर्टाइल नहीं था। मैंने फर्स्ट फर्स्ट जो पॉइंट शेयर किया आप लोगों से, वो अनफर्टाइल था, पहले से ही एक अनफर्टाइल था, उनमें से एक बच्चे नहीं निकल सकते, मेल में प्रॉब्लम हो सकता है या एज कंप्लीट नहीं हुआ होगा, आपने ब्रीड ले लिया होगा और साढ़े एक अनफर्टाइल है इसलिए वो एक फेंक दिया, ये कारण। और सेकेंड जो कारण है ये थोड़ा अलग है, ये अनफर्टाइल दूसरे टाइप का है। ये अनफर्टाइल किस टाइप के, मैं बोलता हूँ आप लोगों को, देखिए बर्ड्स का एक टाइम होता है, जिस टाइम में ही आपका बर्ड्स एक हैच होता है, बच्चे एक से हैच होता है एक टाइम में, कॉकटेल का एक टाइम है, फिंचेस का एक टाइम है, बजिस का एक टाइम है, लवबर्ड का एक टाइम है, पिजन का एक टाइम है, ठीक है ना, सबका टाइम आसपास ही है, ठीक है, दो एक दिन को छोड़ के ही है, लेकिन सबका एक टाइम होता है, अलग अलग टाइम, ठीक है ना। तो बहुत से बर्ड्स क्या करते हैं कि शायद उन्होंने हैच करने में थोड़ी सी दिक्कत हुई होगी, या फर्स्ट टाइम हैच कर रहा होगा इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई होगी, या फिर पानी अपने दिया था, गर्मी का टाइम था, उन्होंने नहा दिया था पानी को, नहा के मटकिया नेस्ट बॉक्स के अंदर एक को हैच करने के लिए गया था, 4-5 दिन 6-7 दिन के अंदर ही एक खराब हो गया सारा एक, ठीक है ना। तो बर्ड्स को वो मालूम चल जाता है, जो आपकी फीमेल है मादी ब्रीडर मादी, उनको ये बात मालूम चल जाता है, इसलिए वो साढ़े एक फेंक देता है। अब उस एक को पकड़ के, उस एक को फट का तोड़ के या किसी भी तरह से देखिएगा, जो एक नीचे पड़ा हुआ है वो सारे एक खड़ा भी होंगे, आपको खड़ा भी मिलेंगे, तभी बर्ड्स फेंक देता है, ठीक है ना। ये बहुत बड़ा मेन कारण है, ठीक है। तो मैंने दो कारण शेयर किया आप लोगों से कि बर्ड्स क्यों एक फेंक देते हैं। तो तीसरा और थर्ड जो कारण है, ये भी बहुत अहम कारण है और बहुत ही ज़्यादा मेन कारण है, ठीक है ना। ये भी एक कारण है, बर्ड्स आपका एक क्यों फेंक देती है। तो तीसरा जो कारण है, तीसरा जो पॉइंट है आप लोगों से शेयर करने में, कि आपने जहाँ पे केज रखा है, ठीक है ना, वहाँ कोई डिस्टर्ब, बर्ड्स को कोई डिस्टर्ब या परेशान तो नहीं कर रहा है, आपको ये देखना पड़ेगा, ठीक है ना। परेशान बहुत से कारण से हो सकते हैं, रात को बर्ड्स को परेशानी हो सकती है, ठीक है ना, चूहे बिल्ली रात को आते हैं, ठीक है ना, बेड वगैरह रात को आते हैं, अगर आपने छत पे रखा होगा खुली छत पे, रात का ये प्रेडर से ये खतरा है, बर्ड्स डर जाते हैं और एक से बाहर आ जाते हैं और सारा रात एक आपका बाहर ही रहता है और एक खराब हो जाता है ठंड के मौसम में, या फिर
बर्ड्स आपका एक फेंक देते हैं रात में बहुत सारे जीव जंतुओं के हमले से, ठीक है, ये एक परेशानी वाली बात हो सकती है। तो दूसरा जो परेशानी वाली बात है कि घर में आपके शोर शराबे कितने हैं, आपने जहाँ पे बर्ड्स रखे हैं वहाँ पे कितना शोर शराबा है। हो सकता है कि बहुत सारे शोरगुल हैं, ठीक है ना, बहुत सारे बच्चे वगैरह हैं, पार्टी वार्टी चल रहा है, आप बड़े जोर जोरों से होम थिएटर में गाने सुनते हैं, ऐसा भी हो सकता है, या आपके मोहल्ले में आसपास कहीं म्यूज़िक का शॉप है, ठीक है ना, या कोई मस्जिद है, कोई मंदिर है, घंटा हमेशा बजता रहता है, ठीक है ना, या कोई बैंड गाना का तबला का प्रैक्टिस कर रहा है, ऐसा साउंड भी हो सकता है, ठीक है ना, इस कारण से भी बर्ड्स आपका एक हमेशा फेंक देता है, ऐसा बर्ड्स आपका नेचर बिहेव कर सकता है, एक फेंक दे सकता है, ठीक है ना। मैं दूसरा पॉइंट बताया कि एक क्यों फेंक देते हैं, ठीक है ना, मतलब डिस्टर्ब की वजह से फेंक देते हैं, एक मैंने दूसरा पॉइंट बताया। तीसरा पॉइंट ये है कि बर्ड्स आपस में ही परेशान हो जाते हैं, खुद आपस में ही परेशान हो जाते हैं। क्या मतलब है कि आपने अगर कॉलोनी में रखा हुआ है, ठीक है ना, तो बहुत सारे बर्ड्स होते हैं, तो एक मादी जा रहा है आपके बर्ड्स के नेस्ट बास्केट या नेस्ट बॉक्स के अंदर, ठीक है ना, या हांडी के अंदर जाके उस मादी को डिस्टर्ब कर रहा है, इसलिए मादी गुस्से कर एक फेंक दे सकती है। ये आपका जो मेल है, ठीक है ना, मेल बहुत सारे मेल सेक्सुअल मूड में जब होते हैं, एग्रेसिव मूड में होते हैं, वो जाके मादी को बार बार डिस्टर्ब करते हैं, ठीक है ना, इस वजह से भी आपका मादी परेशान होकर एक फेंक सकते हैं, ठीक है ना। या कॉलोनी में बहुत सारे लड़ाई झगड़ा होते हैं, इस वजह से बर्ड्स गुस्सा होकर एक फेंक सकते हैं। ये आपने इंडिविजुअल केजेस में भी अगर आपने रखा होगा तो मादी का कोई भी डिस्टर्ब हो सकता है, ठीक है, वो बार बार बैठा हुआ है, खाना खाने में उसे तकलीफ हो रही है। अगर मेल आपने कम उम्र का डाला है, मेल को अगर एक्सपीरियंस नहीं है, मेल अगर फीमेल को जाकर हांडी के मुँह के बाहर अगर फीड नहीं करवाता है, मादी को ही बार बार हैच करवाता है एक को, और बार बार निकल के ही, मतलब मादी बार बार अंडे को सेकता है और बाहर निकल के फिर से खाना खा के फिर से जाके सेकता है, मेल खाली बैठा रहता है, ऐसा अगर पेयर है आपका तो मादी जो है कि परेशान होकर एक फेंक सकती है, ठीक है ना। मैंने तीन कारण बताया डिस्टर्ब होकर मादी या आपका कोई भी पेयर एक क्यों फेंकता है, ठीक है ना। मैंने तीसरा कारण बताया, तो मैंने तीन पॉइंट शेयर किया, और मैंने टोटल जो है कि तीन पॉइंट शेयर किया बर्ड्स क्यों एक फेंक देती है, ठीक है ना। एक मैंने जैसा कि बताया कि परेशान होकर फेंक सकता है डिस्टर्ब होकर, या एक आपका आपने कम उम्र में ब्रीड लिया था, वो एक सारे अनफर्टाइल थे, ठीक है ना, ब्रीडिंग एज नहीं हुआ था, आपने ब्रीड लिया था, सारे एक अनफर्टाइल थे बर्ड्स, उसलिए बर्ड्स को समझा मादी समझा कि ये एक ख़राब हो चुका है, उसलिए इसने एक फेंक दिया, ठीक है, ये कारण है। या फिर आपका एक ख़राब हो चुका है, ठीक है ना, किसी भी वजह से उसने एक ख़राब कर दिया आपका मादी, ठीक है ना, इसलिए भी वो तीन चार दिनों के बाद एक फेंक सकता है, 10-12 दिनों के बाद एक फेंक सकता है, ठीक है ना। मेनली जो बजीस का एक से बाहर बच्चा निकलता है, ठीक है ना, वो करीब 15-16 दिन 17 दिन खूब हार्डली 18 दिन में उन्हें निकल जाना चाहिए। फिंचेस में तो 12-13 दिन में ही निकल जाता है, ठीक है ना, कॉकटेल का लवबर्ड का थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है ना। ये कुछ टाइम है जो टाइम में ये बर्ड्स बच्चे निकालते हैं, अगर आपने बर्ड्स रखे हुए हैं तो आपको मालूम चल जाएगा धीरे धीरे कि बर्ड्स कितने दिनों में बच्चे निकालते हैं। बहुत सारे बर्ड्स थोड़े ज़्यादा दिन लेते हैं, 2-3 दिन एक्स्ट्रा लेते हैं, बहुत सारे बर्ड्स थोड़े कम दिन लेते, ठीक है ना। तो ये कुछ कारण होते हैं जिससे बर्ड्स आपका एक फेंक देती है गुस्से होकर, किसी भी तरह से बर्ड्स को लगता है कि मेरे मुझे एक फेंक देना चाहिए, वो फेंक देते हैं। और जो लोग कहते हैं कि फिंचेस वगैरह या बजीस में बहुत से लोग कहते हैं कि वो एक को तोड़ देते हैं, ठीक है, एक को फोड़ देते हैं, फोड़ के वो एक को खा लेते हैं, ऐसा बहुत से लोग बोलते हैं। वो मेनली वो कैल्शियम के वजह से हो सकता है, ठीक है ना, एक को तोड़ के वो खुद का ही एक फिंचेस खा लेता है, ठीक है, वो कैल्शियम के वजह से हो सकता है। आपने शायद कटल बोन फिश जो मैंने आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मैंने दिया है, ठीक है ना, ये चीज़ आपको देना चाहिए केज में, हर टाइम केज में मौजूद होना चाहिए। शायद आपने उसे ठीक तरह से कैल्शियम नहीं दिया होगा, मल्टीविटामिन नहीं दिया होगा, सॉफ्ट फूड नहीं दिया होगा, ठीक है ना, किसी भी तरह का खाना आपने थोड़ा सा कमी दिया होगा, तो वो गुस्से हो गई है और उन्हें उन या फिर उनको लगा कि मुझे शरीर में कैल्शियम की कमी है, ठीक है ना, कोई भी एक प्रॉब्लम बर्ड्स के शरीर में हो रहा है, ठीक है ना, ग्रीट की कमी, आपने शायद मिट्टी वगैरह नहीं दिया होगा, या फिर चूना पत्थर बर्ड्स के केज में नहीं दिया होगा, पत्थर वगैरह नहीं दिया होगा, उसको बार बार हजम करने में डाइजेस्टिव सिस्टम में उससे थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए भी वो एक तोड़ के खा लेता है, ठीक है ना। एक बहुत सारे पॉइंट होते हैं, ठीक है, आपको धीरे धीरे समझना पड़ेगा, मैंने कुछ पॉइंट शेयर किया मुझे जितना नॉलेज था, ठीक है ना। तो एक सिंपल सा वीडियो, बेसिक वीडियो, बर्ड्स क्यों एक तोड़ देते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो में सब कुछ बात थोड़ी बहुत समझ में आ गया होगा, या फिर आपको थोड़ी बहुत मदद मिली होगी कि बर्ड्स आपका क्यों एक तोड़ देता है। तो और भी कुछ जानकारी के लिए मुझे बोल सकते हैं नीचे कमेंट में, या आपका जो भी प्रॉब्लम है मैं थोड़ा
सुन के और आपको प्रॉब्लम को समझ के एक नया वीडियो शायद बनाऊं या वीडियो में मैं कुछ सुधार करने की कोशिश भी करूं। तो आप बोलिएगा कि मैंने कौन कौन सा पॉइंट को छोड़ दिया है या आपको कौन कौन सा प्रॉब्लम हो रहा है आपके बर्ड्स के केज में, तो ज़रूर बताइएगा। तो फिलहाल तो वीडियो में इतना ही, और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद है ज़रूर लाइक कीजिएगा, ठीक है ना। बस लाइक का जो आइकन है उसे क्लिक कीजिएगा, और लाइक करने के साथ साथ अगर आपको लगे कि मुझे सब्सक्राइब करना चाहिए तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब लाल बटन है उसको क्लिक कीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल वाली आइकन को भी ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब के पास में ही है। तो बेल वाली आइकन को प्रेस करने का मतलब ये है कि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन के तौर पर आपके नोटिफिकेशन जगह पर आपको मिल जाएगा। तो इसलिए सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल वाली आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए, ठीक है ना। और देखते रहिए पेट्स एम्पायर। इस चैनल में मैं पेट्स रिलेटेड, एनिमल से रिलेटेड, पिजन से रिलेटेड, बर्ड से रिलेटेड मैं वीडियो लेके आता हूँ। फिलहाल तो ये वीडियो में इतना ही था। बर्ड्स क्यों एक तोड़ देते हैं अपना खुद का एक, ठीक है ना, मादी क्यों एक फोड़ देते हैं, इसके लिए ही इसके बारे में ये वीडियो था। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।